पाठ पहला, संत पौलुस दा थिस्सलुनीका दे नाम पहला पत्र, उसका पंज बाब 1 आयत तो लैके 6 आयत तक, 9 आयत तो लैके 11 आयत तक। हुण भराओ, समयां अते मौसमां दे बारे तुहानू कुछ लिखण दी कोई लोड़ नहीं है, क्योंकि तुसी आप चंगी तरह जानदे हो कि प्रभु दा दिन चोर वांग आवेगा जो रात दे समय आउंदा है। जदों लोग कहणगे हुण तां शांति अते सुरक्षा है, उस समय गर्भवती औरत उत्ते जमन दी पीड़ वांग तबाही उन्हां उत्ते अचानक आ पवेगी अते उस तो बच निकलन दा कोई राह नहीं होवेगा। पर भराओ, तुसी तां हनेरे विच नहीं हो कि उह दिन तुहाडे उत्ते चोर दी तरह अचानक आ पवे, क्योंकि तुसी सारे चानण दी संतान हो अते दिन दी संतान। असी रात जां हनेरे दे नहीं हाँ, इसलिए असी दूजिआं वांग सुत्ते ना रहीए, सगों जागते हुए चौकस रहिए, क्योंकि खुदा ने सानू उसके कहर के पात्र होने नहीं मिथ्या, सगों इसलिए कि असी अपने प्रभु येसु मसीह के वसीले मुक्ति पाईए, जो साडे लई मर गया, तां जो भावें असी जागते होइए भावें सुते असी उसके ही नाल जीए। इसलिए तुसी एक दूजे नू हल्लाशेरी दिओ अते एक दूजे की उसारी करो जिस तरह की तुसी कर रहे हो। प्रभु की बाणी, खुदा दा शुक्र होवे। संत लूका दी अंजील उसका 4:31-37 तक। वह गलील दे एक शहर कफरनाहूम विच आया। सबत दे दिन वह लोगों नू सिख्या दिंदा सी अते लोग उसकी सिख्या दे दंग हो गए सन, क्योंकि वह अधिकार नाल बोलदा सी। उत्थे सिनागोग विच एक आदमी सी जिसनू पूछ चंबड़िया होया सी। उसने उच्ची आवाज नाल चीख के कहा, सानू छड़ दिओ, तुहाडा साडे नाल की वास्ता, येसु नासरी? कि तुसी साडा नाश करन आए हो? मैं जानदा हाँ कि तुसी कौन हो, खुदा दा पवित्र पुरख। पर येसु ने ए आखदे होए उसनू डांटिया, चुप रह अदे उस दे विचो बाहर निकला। पूत ने उस आदमी नू उन्हां दे दरम्यान पटका दिता अते उसका कोई नुकसान किए बिना उस विचों निकल गया। सब लोग हखे बखे रह गए अते आपो विच कहन लगे, ए किहो जिहा वचन है? ए अधिकार अते शक्ति नाल अशुद्ध आत्मावां नूं हुक्म देंदा है अते वो निकल जांदे हन। इस तरह उसकी चर्चा आले दुआले दे इलाकियां विच सब थावां विच फैल गई। प्रभु दी अंजील, तेरी महिमा होवे मसीहा।